हुई है कि महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? उम्मीद तो यही रखिए कि कम होनी चाहिए, कि अगर स्टेबिलिटी आती है तो आगे महंगाई कम होनी चाहिए। अगर विद इन 1 ईयर हो जाएगी कम, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सही हो गया। तो सर मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगा कश्मीर के हवाले से। हमारे पास जो कश्मीर है, एक कश्मीर इंडिया के पास है, बताइएगा दोनों में से डेवलप कौन सा है? मेरा ख्याल पाकिस्तान वाला ही होगा। पाकिस्तान वाला ज़्यादा? कैसे कह सकते हैं आप पाकिस्तान वाला ज़्यादा? हम पाकिस्तान में रहते हैं इसीलिए कहेंगे। इंडिया का तो देखा ही नहीं हुआ मैंने, तो मैं उसके बारे में तो सुनते हैं ना। हाँ, लेकिन वो मकबूजा कश्मीर है, हालात उनके वैसे बुरे ही होते हैं, तो पाकिस्तान वाला बेहतर है। हालात किस हवाले से बुरे कह रहे हैं? होते थे या होते हैं? थे या हैं में डिफरेंस? मकबूजा कश्मीर मीन्स वहाँ पे इंडियन ऑक्यूपाइड है ना, वहाँ पे उनकी फौज, तो वहाँ पे तो हर टाइम एक टेंशन ज़्यादा सूरत हाल है। टेंशन वाली सूरत? सर इस टेंशन वाली सूरत हाल के अंदर भी वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना रहे हैं, और आपको पता है कि पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो दुनिया पे रिकॉर्ड तोड़ के सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट से जम्मू एंड कश्मीर में जा चुके हैं इंडिया वाले में। अगर मैं बात करूं अभी की, आज की अगर न्यूज़ दूं तो सर सिर्फ 7 दिन के अंदर 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट वहां पर जा चुके हैं। किसी इलाके में जुल्म और ज़्यादती हो तो मैं नहीं समझता, इंसानी सोच भी इस चीज़ को कासिर है समझने में कि कहीं पर माहौल ख़राब हो, जुल्म और ज़्यादती, तो इतने टूरिस्ट जा सकते हैं एक साथ? यही है कि देखें, फिर ये तो एक मीडिया का होगा कि हमने तो जो सुना हुआ है उस हिसाब से तो वहाँ सूरत बहुत बुरी है। अगर जाते हैं तो मुझे, मैं सर्च करूँगा इस मामले में। आप ज़रूर सर्च? बिल्कुल मैं करूँगा। सर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कभी आपने जम्मू, हमारे जो पास जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, क्या विज़िट किया आपने? मैंने विज़िट किया हुआ है। कब गए थे? मैं 3-4 साल पहले गया था। 3-4 साल पहले के क्या सिनेरियोस थे? 3-4 साल पहले तो मेरे ख्याल से हालात काफ़ी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैं रिसेंट की बात बताऊं, अभी रिसेंटली मैं विज़िट करके आया हूं वहां पे, बहुत बुरे हालात हैं। यकीन करें कि वहां के लोग, आप एज आ पाकिस्तानी क्या चीज़ तवक्को करते हैं गवर्नमेंट से? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप दुबई चले जाते हैं, दुबई की गवर्नमेंट, यहाँ से लोग पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रहे हैं बताइएगा? सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ठीक है? वही बात है कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, कि अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। सही बात है। जहां दो हमारे पास के, नहीं हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं बात करूं कि यहां से पाकिस्तानी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी, 8 लाख से ज्यादा, 8 लाख एक साल में गए हैं, विद इन 1 ईयर 2022 में। छोड़ के जाने के पीछे क्या पर्पस लगता है आपको? क्या जो मुल्क से एक आवाम, एक पब्लिक क्या डिमांड करती है? देखें, पब्लिक की मेन डिमांड तो वही है ना कि एक बेटर लिविंग हो, अर्निंग हो, और सबसे फिर जॉब सिक्योरिटी हो। यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है जॉब लूज़ करने की और सारी इस तरह। अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर की, तो सर वहाँ पर, मैं पूरी इंडिया की भी बात करूँ तो वहाँ पर पाकिस्तान की नस्बत अगर मैं बताऊँ कि वहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ती हैं। इन्फ्लेशन रेट की बात करेंगे, पाकिस्तान में 50% से प्लस चला गया, इंडिया में अभी भी 8 से 9% पर जा रहा है। तो बताएं कि इतनी इतनी रिलीफ है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को? हम यहाँ पर आटा 200 का केजी, 160 का केजी खा रहे हैं, और वहाँ पर वो 25 रुपये केजी का आटा खा रहे हैं। क्या वो 25 को छोड़कर हमारे पास यहाँ पर इतनी महंगाई से जूझने के लिए 160 के आटा खाने के लिए आएंगे? इस बात का आपने हकीकत पसंद होकर जवाब देना। ये एक उनके लिए एक टफ डिसीजन होगा, लेकिन अगर वो आज़ादी चाहते हैं तो वो मे भी आना चाहेंगे। आज़ादी किस वजह से चाहते हैं हम? हम अगर यहाँ पर भी आज़ादी मार्च चल रही होती जहाँ पर हुकूमत हकूक ना दे, सर आपके अगर खाने पीने के हकूक मिले तो आप किस चीज़ से आज़ादी चाहेंगे? लेकिन देखें ना, एक हम एक आज़ाद माशरे में रह रहे हैं ना, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सूरत में भी डिफरेंट हो कि वहाँ उनको, देखें जैसे इंडिया के हालात बहुत टाइट हैं कि वहाँ मुसलमान अपने एक तरह से कि जो इसको कहते हैं कि इबादत भी नहीं कर सकते। कहाँ की न्यूज़ बता रहे हैं आप? कब की बात कर रहा हूँ? कब की बता रहे हैं? कब की बात है ये? आज का भी यही सूरत हाल है कि वहाँ आप मिसाल है कि काऊ को जीबा में नहीं कर सकते, ठीक है ना? हमारे मजहब में तो जायज़ है। और किसी भी किसी के मजहब की अगर मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ पर इस्लाम में सुअर को बहुत बहुत गलत समझा जाता है, अगर आपके सामने कोई मतलब के नॉन मुस्लिम खाता तो आप उस बंदे को कैसा समझते? तो देखें, वो उसके मजहब में जायज़ है तो वो खा सकते हैं। अब अगर आपके सामने यहाँ पर टेबल पे, एक टेबल पे बैठकर सुअर खा रहा है, आप दूसरी टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे? तो मैं तो अपना ही खाऊंगा ना, हलाल चीज़ खाऊंगा। क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल नहीं, नहीं खाएंगे। देखिए आपका बच्चा भी कह रहा है कि बिल्कुल मैं नहीं खाऊंगा, तो आप कैसे खा सकते? नहीं देखें, यहाँ पे नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, ठीक है, फॉरनर्स भी आते हैं, तो वो अपनी पसंद की चीज़ खाते हैं।
मतलब सुअर आप इजाजत देंगे कि यहाँ पर पके, अल्लाह माफ करे? नहीं, पके से मुराद ये नहीं है कि वो ना देखे, बिल्कुल कतन ना कर रहा है। देखे उसने अपना खाना खाना है, मैंने अपना खाना है, तो अगर उसका सेपरेट कुकिंग का इंतजाम है तो वो खा ले। जिस तरह से हमारे लिए सुअर का गोश्त है, इसी तरह इंडिया वाले गाय को अपनी मदर समझते हैं भाई। जिसका कहते हैं, जिसका हम दूध पीते हैं, उसको हम कत्ल नहीं कर सकते, उसको हम ज़िबा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, अगर मैं उसकी इज्जत को पामाल आपके सामने करूँगा तो आप हर्ट होंगे ना? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यही इसी चीज़ का नाम तो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि मैं उसको ज़्यादा दे रहा हूँ। अगर मैं अपनी मर्जी का चिकन खा रहा हूँ तो उसकी मर्जी है, पोर्क खा ले। क्या कह रहे? मेरे सामने नहीं, देख ले। हाँ ठीक है, हकीकत बता रहा। तो देखें, वो उसका अपना चॉइस है, उसके अपने व्यूज है, मेरे अपने। बच्चे आप खाने दोगे क्या? वही जो सवाला चल रही है, आप वो बच्चे अपने ख्याल में, वो बात अच्छी है। देखें सर, मैं तो यही समझूंगा कि अगर कोई मेरे सामने भी खाएगा, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा कि भाई ये सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है, आप इसे थोड़ा वो जाए, उसकी मदद में जाएगा ना। सबसे पहले तो फिर मैं उसको ख्यालात बदलूंगा कि मैं चल यहां से उठ जा। बच्चे की बात है, क्या कह रहे? चल यहां से उठ जा, निकल। उससे यही कहेंगे? देखिए मैं तो उसको फिर पहले कायल करूंगा ना कि वो इस्लाम कबूल करे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली छोड़ देगा वो चीज खाना। सही हो गया सर। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज मिलेगा, क्या ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि हमें एक दूसरे के व्यूज का एहतराम करना चाहिए, ठीक है, और अमन के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच बॉय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? मेरा अब्दुल हादी साकिब। अब्दुल हादी साकिब, क्या करते हो? सर मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं और एक इंटरनेशनल फर्म में काम करता हूं। बहुत ज़बरदस्त यार, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियां दे। बेसिकली बात करने का सबसे पहले पर्पस मेरा ये है कि आप बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान के सिनेरियो को देखते हुए, क्या इस जो हमारा खिता है इधर, जितना को हम वस्ट में जा रहे हैं इस टाइम, जितने को हमारी पजीरी की तरफ जा रहे हैं इस टाइम, कोई कंट्री आपको अड़ोस पड़ोस में नज़र आ रही कि जितनी के हम डी वैल्यू हो कंट्री हो चुकी है, हमारी GDP डी वैल्यू हो चुकी है, हम तरक्की के लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम पस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए हम पस्ती की तरफ नहीं जाते। जब हम कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करता, बेसिकली गवर्नमेंट की मशीनरी जो होती है वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से, ठीक है। पाकिस्तान में मादनिया से लेके एग्रीकल्चर से लेके मैन फोर्स, उसके बाद आपके एक दौर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो थी वो स्टार्ट हुई थी, शायद बाद में FDI आना बंद हो गया, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर पांचवा बड़ा मुल्क है तो पोटेंशियल का होना ही इसको रिसोर्सफुल ज़्यादा बना लेता है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट या GDP या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं, दे आर मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन योर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड फॉरेन पॉलिसीज। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज इंडिपेंडेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं रही, और चीज़ें का आपस में गठजोड़ होता है, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है तो किसी फॉरेन इन्वेस्टर को क्या कॉन्फिडेंस आप देंगे कि वो यहाँ पर आए, कि हर दूसरे दिन या तो गवर्नमेंट रहती है ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज कंसिस्टेंट रहती हैं। एक तो हमारे एक टीवी चैनल पे तो एक साहब ने आकर ये तक कहा है कि हमें जितना IMF कर्जा देती है, कर्जे का जो 50% है वो वहाँ पर लगने की बजाय कहीं और पर लग जाता है जाकर, ठीक है। हो गया सर। सर सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, तो अभी मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। सर कश्मीर की अगर बात करें, दो तरफ कश्मीर है, आपको क्या लगता है कि आपके मेंटली एक सोच होती है, एक रिसर्च होती है, उसके मुताबिक डेवलप कौन सा ज़्यादा? देखिए मैं बुनियादी तौर पे ना रिसर्च वर्क करता हूँ और मैंने दोनों साइड्स को ना देखा है आकर। आप आज भी गल्फ़ कंट्रीज़ की वेबसाइट पर जाएँ, एक उनमें से मुल्क है, उनके इंडियन एम्बेसडर ने एक आर्टिकल छापा था और आर्टिकल की लेंथ कोई बहुत बड़ी नहीं, शायद मैक्सिमम 500 वर्ड्स होगी, लेकिन शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने ये बताया कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, जो कि अब इंडिया का पार्ट बन गया हुआ है आफ्टर 360 आर्टिकल, उसमें एक एक जुमले में बताया कि ये कंट्रीज हैं जिनमें अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? मियां सुफ्तैन अली। क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ।
जबरदस्त, किस चीज का बिजनेस है आपका? रियल एस्टेट का बिजनेस है। ओके, वेरी नाइस सर। सर मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए मुल्क के डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, हम टैक्स हम पे करते हैं, हर चीज हम मतलब के मुल्क के तरक्की के लिए जितना हो सके एक शहरी अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन टैक्स भी दे रहे हैं, सैलरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, इसके पीछे क्या इफेक्ट्स हैं, क्या देखते हैं आप इस चीज़ों को, क्या आपके क्या समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्क कोई डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा, ये लोगों का एक वहम है और मिथ है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और कुछ मादरत के साथ आप जो मीडिया वाले लोग हैं ना, आपने इस चीज़ को तशहीर दे दिया है मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, बिल्कुल मुल्क हमने नहीं दी, लेकिन स्टेट्स ये बताते हैं। आप सर्च करेंगे, आप अगर थोड़े पढ़े लिखे हैं तो मोबाइल निकालें और रिसर्च करें कि आप फॉरेन रिजर्व कितने पड़े हमारे पास। फॉरेन रिजर्व अगर होंगे तो आप अपने मुल्क के आराम, जैसे जिस पेट्रोल की कीमत है सर, पेट्रोल की कीमतें, घी की कीमतें, आटा नहीं मिल रहा गरीबों को। सर हम इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं मीडिया वाले, सर आप बताइए कि चीज़ें सस्ती क्यों नहीं है, क्या गरीब आदमी खरीद सकता है आटा मौजूदा सिनेरियो के देखते हो, क्या घी खरीद सकता है जो कि 800 रुपए की एक थैली मिलती है किलो की, क्या कहना चाहेंगे? देखें, पहली बात तो ये जो आपने कहा ना कि रिजर्व नहीं है, स्टैटिस्टिक का पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें लोगों को ये समझना चाहिए कि आपके घर में जितने भी पैसे हैं, आप मुझे बताएंगे आपके घर में क्या है? कोई नहीं बताता, ये इट्स अ प्राइवेसी, और ना ही इसको कोई स्टैटिस्टिक को डिस्क्लोज किया जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? सेकेंडली जो आपने कहा कि इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, देखिए इन्फ्लेशन का मतलब हो जाने का यही नहीं है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। आप फर्ज़ करें यहाँ पे एक पेप्सी लेके पीते हैं तो आपको 50-60 रुपए की मिल जाती है, यही पेप्सी आप जाके इंग्लैंड से लेके पीते हैं तो आपको कितने डॉलर की मिलती है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के लिए हुई है, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लोगों ने सिर्फ नेगेटिव एंगल से लोगों को चीज़ देखना शुरू किया हुआ है, ऐसा नहीं है। सर पूरी दुनिया के अंदर अगर इन्फ्लेशन आता है तो एक महीना दो महीने पहले गवर्नमेंट इतला करती कि भाई महंगाई बढ़ने लगी है तो आपकी सैलरीज इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो बताएं कि गरीब के लिए यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, गरीब कैसे गुजारा करेगा? सर आप तो मैं और आप तो यहाँ पर खड़े होकर कैमरे के आगे बात कर लेते हैं, लेकिन मेरा रोज़ इंटरेक्शन होता है गरीबों के साथ, जो कि आटे के लिए रोज़ 2-3-4 शहादतें हो रही हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को, लोग लाइनों में लगकर इतना गहमा गहमी होती है। गवर्नमेंट जो फ्री आटा देती है, जो कंटेनर के अंदर रखती है, वहाँ पर लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं, वॉर होनी शुरू हो जाती है आटे के लिए। ये सिनेरियो तो पहले तो नहीं थे, अचानक अगर मैं आप वहीं बात कर रहा हूँ आपको, फॉरेन रिजर्व नहीं हमारे पास, अगर रिजर्व होते तो क्या ये सिनेरियोज होते? देखिए मेरे भाई, अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को समझने से कासर हैं, हमारे इश्यूज़ क्या है। हमारा इशू पावर्टी है पहला, दूसरा हमारा इशू इलिटरेसी है, आप जहल कौम में रहते हैं। पहली बात कि आटे की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए आटे के लिए शहादतें होना, मैं समझता हूँ कि ये इससे भी बढ़ के होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि आप लोग मेहनत की तरफ नहीं जाते, आप लोग मांगने बैगर्स की, 10 किलो आटे के खातर आप पूरा दिन ज़ाया कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिसोर्सेज को मैनेजमेंट की कमी है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, ना कि हम जैसे आप बात कर रहे थे पहले मैं यहाँ पे खड़ा था कि इंडियन के साथ लोगों ने कौम को खुददार बनाया है। आप मेरे से पहले आप भाई से इंटरव्यू ले रहे थे, वो कह रहे थे फरूख आज़म की तरह के लोग आने चाहिए, आपने पूछा कौन से बंदे को आना चाहिए, वो कहते हैं कोई भी नहीं। भाई हमने